आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने स्थानीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर आगामी नगर निकाय चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित एवं डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DMI द्वारा तैयार प्रस्ताव को अविलंब अधिसूचित करने की मांग राज्य सरकार से किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, पूर्व सांसद सह पूर्व गया नगर पालिका के चेयरमैन रंजीत सिंह उर्फ रंग बाबू, पूर्व विधायक डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद मोहम्मद खान अली, जिला उपाध्यक्ष युगल किशोर सिंह, राम प्रमोद सिंह, जिला महासचिव विद्या शर्मा, अमरजीत कुमार, टिंकू गिरी, ओंकार नाथ सिंह, सुभाष चंद्र, अशरफ इमाम, फिरोज रजा, विनोद उपाध्याय, राजेश्वर पासवान, सुरेंद्र मांझी, अरुण कुमार पासवान आदि ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होकर इस संबंध में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि बिहार सरकार 3 वर्ष पूर्व ही देश के अन्य प्रदेशों के तर्ज पर नगर निकाय के चुनाव पार्टी आधारित एवं एकल पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने की घोषणा कर इस संवाददा में प्रस्ताव तैयार करने की घोषणा किया गया था, परंतु अब जब चुनाव के केवल 4 माह बाद होनी है लेकिन अभी तक सरकार इसकी अधिसूचना जारी नहीं करने से सूबे के जनमानस में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। नेताओं ने कहा कि राज्य में अभी तक पुरानी व्यवस्था जिसमें वार्डों के चुने प्रतिनिधियों द्वारा ही मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनने की प्रथा में खरीद फरोख्त, हार्स ट्रेंडिंग आदि की आम होने से एकल पद के चयनित उम्मीदवार हमेशा चंद लोगों के हाथों के कठपुतली बनकर काम किया करते हैं, जो किसी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। नेताओं ने कहा कि एकल पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने से मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष काफी सशक्त एवं सरवरा होंगे, जिन्हें पूरी अवधि पद से हटाने का कोई डर नहीं होगा, जनता के लिए जमकर काम भी करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भी आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास एवं आवास मंत्री को भी दिया गया। नेताओं ने कहा कि दिसंबर माह में सूबे के सभी जिलों में प्रदर्शन के बाद जनवरी 2022 में पटना में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। बिहार में आगामी नगर निकाय चुनाव में एकल पद यानी मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराने की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर मगध प्रमंडल के माननीय आयुक्त को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोग ये मांग किए हैं कि बिहार सरकार 3 वर्ष पहले ये अखबारों में घोषणा किया था कि आगामी जो नगर निकाय का चुनाव 2022 के अप्रैल में होगा वो पार्टी आधारित होगा तथा एकल पद का चुनाव जो पहले वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य करते थे, वो चुनाव अब सीधे जनता के द्वारा होगा, जिसका 3 वर्षों से बिहार सरकार प्रस्ताव तैयार करके रखे हुए है। उस प्रस्ताव को अविलंब अधिसूचना जारी कराने के लिए हम लोग आज यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने मेमोरेंडम दिए हैं और बिहार में सभी जिलाओं पर प्रदर्शन होने के बाद जनवरी के प्रथम सप्ताह में पटना में भी हम लोग बृहद प्रदर्शन कर हर हाल में आगामी चुनाव सीधे जनता के द्वारा कराएंगे की मांग पर अडिग रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।